हुई थी फिल्म ऑन की शूटिंग। क्यों बनी फिल्म ऑन पहली रंग बिरंगी फिल्म? क्या बिखेरे थे इस मूवी ने सिनेमा पर होली के रंग? क्यों कहा जाता है दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 1952 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में अन्य साथी कलाकारों के साथ हिंदी सिनेमा के अभिनेता दिलीप कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगर इस फिल्म की लोकेशन की बात करें तो उन दिनों भारत की पहली रंगीन फिल्म ऑन की आउटडोर शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा नरसिंहगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में फिल्माया गया था। फिल्म 1949 में बननी शुरू हुई थी और 1952 में रिलीज हुई। इसमें नरसिंहगढ़ का किला, जल मंदिर कोटरा के साथ देवगढ़, कतोड़ा, रामगढ़ के जंगल, गौ घाटी के हिस्सों में फिल्म के बड़े हिस्से को शूट किया गया। फिल्म को देश के पहले शोमैन महबूब खान ने बनाया था, जिनकी सन 1957 में रिलीज क्लासिक फिल्म मदर इंडिया विश्व सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज। फिल्म में दिलीप कुमार, नादिरा, निम्मी, मुकरी, शीलाबाज, प्रेमनाथ, कुकु, मुराद ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। फिल्म ऑन हिंदी फिल्म के पर्दे पर पहली बार होली फिल्म औरत में खेली गई थी, लेकिन यह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म साल 1940 में रिलीज हुई। ये फिल्म फिल्मकार महबूब खान के निर्देशन में बनी, लेकिन पर्दे पर यह होली के रंग देखे नहीं जा सके क्योंकि यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी। पर महबूब खान ने 1952 में आई फिल्म ऑन में होली के असली रंग पर्दे पर देखने को मिले। इससे पहले फिल्मों में होली तो दिखती थी लेकिन रंग नजर नहीं आते थे। जाहिर है जब रंगीन फिल्में आई तो रंग भी पर्दे पर नजर आएंगे। यह नादिरा की डेब्यू फिल्म थी। नादिरा वाले किरदार के लिए महबूब खान की पहली पसंद नरगिस थी। इससे पहले 1933 में आई सुरेंद्री देश की पहली रंगीन फिल्म थी, लेकिन इसका प्रिंट साफ न होने की वजह से ये रिकॉर्ड 1937 में बनी किसान कन्या के नाम हो गया। फिल्म के मुख्य संस्करण को जब फिल्म के फाइनेंसरों और वितरकों में दिखाया गया तो उन्होंने विरोध किया कि निम्मी के चरित्र का बहुत जल्दी निधन हो गया। यह एक अभिनेत्री के रूप में निम्मी की व्यापक लोकप्रियता के कारण था, इसलिए फिल्म में निम्मी को अधिक प्रमुखता और पर्दे का अधिक समय देने के लिए उनके किरदार को सपनों में भी दिखाया। फिल्म ऑन के अधिकतर गानों को बहुचर्चित गायक और लोकप्रिय जोड़ी लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी, जिनकी आवाज और जोड़ी को लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, बस यही हिसाब इंसानों और उनके हुनर के साथ भी है। उन्होंने रमेश शिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वे आज भी प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के प्रेरणा स्रोत हैं। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन।